नए साल की शुरुआत अक्सर एक नई डायरी से होती है, दिखने में यूनिक हो, खूबसूरत लगे, जिस पर एक भी स्याही की छाप ना हो। बट मुझे नहीं लगता, पर इस बार सोचा है कि पुरानी डायरी से ही नए साल की शुरुआत नई सोच के साथ करूंगी। इस साल मैंने अपने बकेट लिस्ट में 4 रेजोल्यूशन ऐड किए हैं जिसे मैं पूरे साल ही फॉलो करूंगी। तो फर्स्ट है मेरा 5000 स्टेप डेली फॉर हेल्दी लाइफ, और सुबह 2000 स्टेप तो कंप्लीट भी कर लिए हैं। और सेकंड रेजोल्यूशन है मेरा कंसिस्टेंसी इन वर्क, अपने काम में स्थिरता लाऊंगी, डेली वीडियो बनाऊंगी, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगी। तीसरा रेजोल्यूशन है एक हफ्ते की प्लानिंग, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगी, जैसे कि अगर आप मेरे YouTube वीडियोस देखेंगे तो उसमें पैटर्न नहीं है, क्योंकि मैं कभी डालती थी वीडियो, कभी नहीं डालती थी, कभी हफ्तों तक नहीं डालती थी, कभी डेली डाल देती थी, जैसे जो चढ़ता था वैसे डालती थी। बट फिर मैंने 1 वीक प्लान बनाया और फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं, और अभी तक 3 महीने तक लगातार मैं पर डे शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि 1 वीक प्लान काफ़ी फ़ायदेमंद है, और अगले साल मुझे लॉन्ग वीडियो पे काम करने हैं और इसमें मैं हो सकता है सक्सेसफुल हो जाऊँ काफ़ी हद तक। और 1 वीक प्लान आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, जैसे कि आपका कोई बैंक का काम है, आप वो नहीं करवा पा रहे हैं, बट आप ये डिसाइड कर लो कि इस हफ्ते मुझे बैंक के काम करवाने हैं। आप अगर योगा स्टार्ट करना चाहते हैं बट नहीं आपको समय मिल पा रहा है, तो आप हफ्ते में एक दिन से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद लगेगा कि यार पिछले हफ्ते एक दिन किया था तो इस हफ्ते 2 करता हूँ, और इसी तरह काउंटिंग बढ़ती जाती है, और फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और एक बात सच है कि किसी भी काम की शुरुआत करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी आदत नहीं होती, बट एक बार आदत बन जाए तब हमारे रिजल्ट भी अच्छे आने लगते हैं। फोर्थ रेजोल्यूशन है अपने आप को खुश रखना, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आप हर काम कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो हफ्ते में एक बार समय ज़रूर निकालें और कुछ नया एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको प्लांट लगाना पसंद है तो आप पेड़ पौधे लगाएँ। मूवी जाना पसंद है तो अपने लिए 10 दिन में एक बार ज़रूर समय निकालें। घूमना पसंद है तो जाएं और घूमें, बाहर निकलें, बगल के लोकल एरिया में भी आप घूम सकते हैं। और पूजा करना पसंद है, और वो तो मेरा फेवरेट है, अगर आपको पसंद है तो आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। अपने आप को बस थोड़ा सा बदलाव का माहौल दें ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो, और ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इस रेजोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप सब फॉलो कर लेंगे। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।